तो इंटरनेट पर इतनी लड़ाइयां चल रही है कि अपनी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है छोड़ो यार, हटाओ, पहले ये देखते हैं इसमें मजा आ रहा है। ये आज के टाइम की जो महाभारत चल रही है, इसमें देखो रजत दलाल वर्सेस पहले मैक्सटन सिंगा, जो भी जितने भी लफड़े झपड़े चल रहे हैं, राजवीर का चल रहा है आज का लेटेस्ट वाला, देखने में बड़ा मजा आता है। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत पता है कहाँ आती है कि यार एक आधी लाइव जो मिस हो जाती है ना, फिर वो दूसरे बंदे उसको अपलोड करते हैं तो बड़ी लो क्वालिटी की वो लगने लगती है। तो यार इतनी लो क्वालिटी में ना ऐसी वीडियोस देखने का मजा नहीं आता। तो अगर आपकी भी कोई लो क्वालिटी वाली वीडियोस है, आज हम उसको हाई क्वालिटी का कर देंगे। अब बेसिकली आप समझ तो गए हो कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय 4D DIG, और इनका जो काम है बेसिकली सॉफ्टवेयर का, ये बहुत ही मजेदार है एक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। लो क्वालिटी की वीडियोस को हम अपस्केल कर सकते हैं अप टू 4K 8K जितना भी आप करना चाहो। उसके बाद हमारी अगर कोई पुरानी वीडियोस है बाप दादा के जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसको आप कलर करना चाहो वो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर कोई फुटेज आपकी करप्ट हो चुकी है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। और भी इनकी काफी सारी चीजें हैं, वो सारा हम कवर करेंगे वीडियो में। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जब आप क्लिक करोगे इस तरीके की वेबसाइट आपको कुछ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो काफी सारे इनकी चीजें है कि डेटा रिकवरी का भी है, फाइल रिपेयर भी है, डुप्लीकेट फाइल डिलीट का भी है, और ऐसे बहुत सारे इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर है। हमें कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना ही है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लेंगे। हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ना, ये मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मैं यूज कर रहा हूँ इसको काफी टाइम से और मेरे को मजा बड़ा आया इसको चलाने में, क्योंकि हेल्पफुल एक्चुअल में ये है। अब इसको जैसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है ये तो सभी को पता होगा, लैपटॉप में दो चार सॉफ्टवेयर कभी तो जिंदगी में डाले होंगे, तो बस वही नेक्स्ट करो और ये बहुत इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा ये सॉफ्टवेयर हमें दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 4D DIG फाइल रिपेयर यहाँ पर। लेकिन सिर्फ फाइल रिपेयर का काम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हम क्रिएटर्स के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, फाइल को हम यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, वीडियो रिपेयर, फोटो रिपेयर, फाइल रिपेयर और ऑडियो रिपेयर, हम चारों ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वीडियोस की बात, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियोस की बात होना जरूरी है ना भैया। तो वीडियो में देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई वीडियो में कोई इश्यू है, एरर है, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करके ठीक कर सकते हैं। अभी मेरी किसी वीडियो में एरर नहीं है, तो मैं जबरदस्ती एरर डाल के ठीक करने लगूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे अपनी एक लो क्वालिटी की वीडियो, जैसे मान लो कि रजत दलाल की लाइव आई, वो आप देख नहीं पाए, किसी और ने अपलोड करी, वो हो गई लो क्वालिटी की। अब उसको हम अपस्केल करने की अगर ट्राई करें, तो जैसे ये मेरे पास एक लो क्वालिटी की वीडियो है। अब ये वीडियो जो है काफी लो क्वालिटी की है, अब इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इनहेंस वीडियो क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी वीडियो को। ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी यहाँ पर, ये देखो 1.13 MB की ये वीडियो पहले से थी। अब इसको हम अपस्केल करेंगे, यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मोड ऑन कर देंगे ताकि हमारा काम सबसे पहले हो। यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास नजर आते हैं, एनिमे मॉडल भी है, फेस मॉडल भी है, और आपके पास जनरल मॉडल भी है। आपको किस तरीके की वीडियो अपनी बनानी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जनरल पे रखेंगे अब इसको, कि हमें नेचुरल लुक ही चाहिए, हमें कुछ अलग नहीं चाहिए, बस इसको अपस्केल हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस भी आपके पास, 200%, 400%, 300%, और आप कस्टम भी कर सकते हैं। अभी हम मैक्सिमम कर देते हैं इसको, ये 4K के ऊपर ही चला जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमने जैसे इसको ऑन किया, सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया, 4K हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा, और इसको अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ से सेव कर देते हैं हम यहाँ पे ओपन डेस्कटॉप पे, और जितनी देर ये लेगा, करीब जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा टाइम ये लेगा, लेकिन हाँ जल्दी हो जाता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की पावर के ऊपर कि कैसा आपका इंटरनेट है, कैसा आपका प्रोसेसर है, लेकिन हाँ ठीक ठाक जल्दी टाइम पर यह कर देता है। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है, आप बताओ कि क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो, सब बढ़िया, घर में खैरियत है, मज़े आ रहे हैं कि नहीं, ऐसी कैसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम बनाएंगे। एलविश और मैक्सटन वाली में तो यार मज़ा नहीं आया, मतलब कि यार थोड़ा तो इसको खींचना चाहिए ना, थोड़ा तो लंबा बड़ा करना चाहिए कंट्रोवर्सी को, मज़ा आए, मसाला मिले कुछ देखने को, सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फेमस हो रहा है क्या, फॉलोवर्स मिल रहे हैं, जो भी हो रहा है सबको सब पता है, लेकिन यार देखने का मजा तो आता है ना, तो ये जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी ऐसी चीजें। 2000 years later आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं किसके साथ कंट्रोवर्सी शुरू करूं, हम भी अब थोड़ा सा फेमस होना चाहते हैं भैया। बस डर इस बात का है कोई सच्ची में आके हमें पेल ना जाए।
फर्क तो देखो भैया आपको साफ साफ स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है, बिफोर और आफ्टर में इनहेंस हो गई है काफी अच्छी, यहाँ पे क्वालिटी जो है इसकी अपग्रेड हो गई है, दिखाई दिया, ऑल गुड हो गया, समझ आया कि कैसे करना है। ये चीज आप जरूर ट्राई करना है अपनी पुरानी वीडियोस के लिए, या फिर आप लो क्वालिटी वीडियोस के लिए आप इस तरीके से इसको अपस्केल कर सकते हो अपने मनपसंद के रेजोल्यूशन के साथ। इसको और अपस्केल करना हो तो आप इसी इनहेंस वाली वीडियो को अपलोड करके दोबारा और कर सकते हो, लेकिन इतना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि एक वीडियो को कितना घसीटोगे भाई साहब। ये भी अच्छी क्वालिटी लग रही है ना, 4K में हो गई आपकी एक लो क्वालिटी 720 पिक्सल वाली बहुत ही कम बिटरेट वाली वीडियो एक अच्छी खासी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाती है अपस्किल करने के बाद। अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, मान लो कोई ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो आपने शूट करी लेकिन अब आप चाहते हो कि उसके अंदर कलर्स हो, या फिर जो पुरानी वीडियोज होती थी किसी कैमकॉर्डर में से आपने निकाली उसके अंदर कलर्स ही नहीं है, हल्के फुल्के कलर्स दिख रहे हो, या फिर कुछ भी रीजन की वजह से उसमें मजा नहीं आ रहा है कलर्स के अंदर, या वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है बिल्कुल ही, तो उसको हम कैसे कलराइज कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन है कलराइज वीडियो का, जो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के अंदर आपके कलर्स डाल देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है, ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसी के अंदर, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बेसिकली फेस डिटेक्शन को हम ऑन रखेंगे, वीडियो को पहले सेलेक्ट करेंगे, जो फेस है उसको डिटेक्ट कर लेगा ये अपने आप ही, रेजोल्यूशन हम सेम ही रखेंगे क्योंकि इस वीडियो को हमें अपस्केल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी वीडियो ठीक है, हमारा मेन फोकस यहाँ पे कलर्स का है। तो उसके बाद हम कलराइज एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओपन, इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे ही, और ये हमारी फाइल जो है फटाफट से सेव हो जाएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के अंदर कलर जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं, कैसे आए हैं कैसे नहीं ये आप खुद से डिसाइड करो कि कलर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कलर्स ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको कलर ग्रेडिंग की मदद से इसको अच्छा बना सकते हो। कलर्स जब आ चुके हैं वीडियो के अंदर तो उनके अंदर आप चेंजेस अपनी पसंद से किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के अंदर तो आप कलर्स कहाँ से ही लेके आते। ये इसका एक फायदा है कि आप किसी भी वीडियो के अंदर ये कलर्स आ जाएंगे, फिर उसको आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उस पर आप फिल्टर लगाओ, प्रीसेट लगाओ, कुछ भी करो, आप अपने पसंद के कलर्स उसके अंदर बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सॉफ्टवेयर है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। ये देखो बिफोर और ये आफ्टर, जो फर्क है वो आपके सामने है, आंखों देखी बात। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो खूब सारे कमेंट्स कर देना ताकि हमें ऐसी और वीडियोस बनाने का पता लगे कि आपको मजा आता भी है कि नहीं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूले, और हाँ 4DDIG का जो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर जाके डाउनलोड करो, चेकआउट करो और अपनी मस्त मस्त वीडियोस को अपस्केल करो यार, और हमें भी टैग करना, मजा आएगा देखने में। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।